जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि रोज की तरह छूट वैसे ही रहेगी। छूट के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे और मिठाई की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सेल कर पाएंगे। वहीं सराफा मार्केट को कोई छूट नहीं है। कपड़े की मार्केट के व्यापारी मात्र दुकान के सामने को सप्लाई कर सकेंगे, रिटेल नहीं कर पाएंगे। सब्जी की दुकान है सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। जनपद में कुछ हॉटस्पॉट क्षेत्र भी कम किए गए हैं और इंडस्ट्री चलेंगी। इंडस्ट्री में कोई भी कर्मचारी हॉटस्पॉट क्षेत्र का ना हो, ये जिम्मेदारी मालिक की होगी। गंगोह देवबंद हॉटस्पॉट क्षेत्र के हैं, वहाँ पर कोई भी छूट नहीं है। पश्चात जो हम लोग के कंटेनमेंट जोन है, जैसा कि पहले बताया था मैंने, कंटेनमेंट जोन में पूर्ववत जो है गतिविधियाँ अनुमन्य रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो इंडस्ट्रीज हैं सारी इंडस्ट्रीज जो है चलेंगी। केवल प्रतिबंध ये है कि वो सोशल जो भी उनके कर्मचारी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे और वहाँ पर फेस मास्क सैनिटाइज़र वगैरह का प्रयोग किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये रहेगी कि जो भी कर्मचारी और उनका स्टाफ है वो कोई भी स्टाफ और कर्मचारी उनका कंटेनमेंट जोन के भीतर का नहीं रहना चाहिए या हॉटस्पॉट क्षेत्र का नहीं रहना चाहिए। ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि उस बात को सुनिश्चित कराएंगे कि उनका कोई भी कर्मचारी हॉटस्पॉट का नहीं है और कोई क्षेत्र हॉटस्पॉट है कि नहीं है इसकी सूचना वो संबंधित थाने से प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ तक मार्केट्स खुलने की जो बात है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे जो रेस्टोरेंट हैं, मिठाई की जो दुकानें हैं, ये रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खोली जाएंगी, किंतु इसके संबंध में जो उनके एसोसिएशन है उनसे कल हम लोग बात करेंगे। बात करके किस तरह उसमें भी हम लोग जो एक रोस्टर बनवाएं, इसके संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करके कोशिश करेंगे कल ही इसको हम लोग फाइनल कर दें। इसके सिवाय जो राय वाला मार्केट है, कपड़े की थोक की मार्केट है, उस मार्केट में उसके जो तमाम पदाधिकारी हैं वो लोग मुझसे मिले थे। उनकी ये डिमांड थी कि वो तमाम उनके यहाँ माल डंप है, तो अभी फ़िलहाल एक रोस्टर हम लोगों ने तैयार किया है, उसको हम लोग आज रात तक फाइनल कर देंगे। उस रोस्टर के मुताबिक उनको 3-3, 4-4 घंटे के लिए प्रत्येक दिन आगामी कुछ दिनों तक उनको ये परमिशन रहेगी कि वो अपना जो डंप माल है उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अगर कहीं बाहर भेजना चाहते हैं, थोक में बेचना चाह रहे हैं, तो उसको बेच दें। किंतु प्रतिबंध रहेगा कि वो कोई भी अपना स्टाफ, कोई भी कर्मचारी या ट्रांसपोर्ट का कोई भी आदमी ऐसा नहीं वो जो है लगाएंगे जो आदमी हॉटस्पॉट का हो। इसी तरह अन्य जो मार्केट्स हैं, कपड़े की रिटेल शॉप हैं या अन्य शोरूम हैं, अन्य जींस हैं, उनके संबंध में हम लोग उनके जो भी पदाधिकारी हैं, एसोसिएशन है, उनसे बातचीत करके किस तरह हम लोग रोस्टर के एक रोस्टर जो है बना सकते हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सके और जो इतने लंबे समय तक हम लोगों ने लॉकडाउन यहाँ पर रखा हुआ है, उसको लॉकडाउन करके रखा हुआ है, उससे जो हम लोगों ने लाभ अर्जित किया है उस लाभ हम लोग मेंटेन कर सकें, इस उद्देश्य से हम लोग इनसे बातचीत करके जो भी और भी मार्केट्स हैं उनको खुलवाने के बारे में एक आध दिन में हम लोग निर्णय करेंगे।